हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं बना रही हूँ स्वीट गाजर बर्फी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg रेड वाला गाजर। उसको अच्छे से हमने छील लिया है, धोकर साफ़ कर लिया है और पीस पीस में कट कर लिया है। हम ग्रेट नहीं करेंगे, इसको मिक्सर में ही डाल के चलाएंगे, छोड़ेंगे, चलाएंगे, छोड़ेंगे। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर में हमारा गाजर तैयार हुआ है, जैसे लग रहा है हमने ग्रेट किया है और ये काम 2 मिनट में हो जाता है। और इसका पानी भी सूख गया है। देखिए कितना अच्छा कलर है। अच्छा आता है। 1 स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। मेलन सीड है मेरे पास, मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर दीजिए। मावा भी नहीं है तो आप 4 स्पून मिल्क पाउडर डालिए, उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बहुत ईजली बर्फ़ी बन जाती है उससे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर तैयार हुआ है। थोड़ा और हम इसको भुनेंगे। 2 स्पून घी डाल देंगे ताकि गाजर में शाइनिंग आ जाए और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है घी का। इसमें घी तो आप जितना चाहे डालिए, इसमें कमी रहता है। देखिए हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। थोड़ा सा ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे में मिल जाए। फिर एक बर्तन में हम घी को ग्रीस करेंगे। आप अपने
हिसाब से जो भी आपको शेप अच्छा लगता है आप बना सकती हैं। मैं दो शेप की बर्फी बना के दिखाऊंगी आपको। अच्छे से घी को ग्रीस कर लेंगे ताकि निकलने में आसानी रहती है। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको अपने बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा रहता है इसका। देखिए मैंने जमा दिया और एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। आप बाहर भी रख सकती है रूम टेम्परेचर पे, वो सेट हो जाएगा। एक में मैंने ड्राई फ्रूट क्रश करके डाला हुआ है, काजू बादाम पिस्ता आप क्रश कर लीजिए और ऊपर से डाल दीजिए। चांदी वर्क है तो आप वो भी लगा सकती हैं। दूसरे में हमने डेसिकेटेड नारियल डाला है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने प्लीज़ आप बनाइए और गेस्ट को खिलाइए। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैप्पी न्यू।